हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स किचन। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके घर और किचन के कामों को आसान बनाएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी, जो मीठी सोडा हम बनाते हैं वो इमली से बनाते हैं और इमली में हमें काफ़ी वक्त लग जाता है। तो ये आप आम की फांकें सुखा कर रखें और मैंने गर्म पानी में भिगो दिए हैं, इन्हें उबाल लिया फिर। तो मैंने इन्हें मिक्सी में पीसकर इनका पल्प निकाल लिया है। तो अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा जीरा, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और कश्मीरी लाल मिर्च डालकर मैंने ये पल्प ऐड कर दिया है। और पल्प निकालते समय उसे मिक्सी में पीस करके थोड़ा सा उसे जो चावल वाली चलनी होती है ना उसमें छान लें और उससे आराम से जल्दी से हमारा काम हो जाता है। और हमने इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर दिया है और किशमिश तो आप ज़रूर से डालिएगा फ्रेंड्स, ये सॉल्ट में बहुत अच्छी लगती हैं। और इसे अच्छे से पकाइएगा और हमारी सॉल्ट अब पकने लगी है तो इसे अच्छे से बॉईल लगाएं। और फिर इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं, हमने चीनी इसमें ऐड कर दी है जो हम सूट नहीं कर पाए हैं। तो अब फ्रेंड्स इसे हम और पकाएंगे, इसे हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह की कंसिस्टेंसी में रखना है और इस तरह से रखना है क्योंकि फिर थोड़ी सी ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाती है। तो अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और बस इसे हम ठंडा करके रख लेंगे और ये हमारी सॉल्ट तैयार है। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है टिक्की की। तो फ्रेंड्स हमने आलू को उबालकर और मैश करके उसमें अरारोट मिक्स करके इस तरह से टिक्की को हमने बना लिया है और इसके अंदर फिलिंग में हमने मटर और चने की दाल की फिलिंग भरकर बनाया है। तो अब इसे हम सैलो फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप तवे पर इसे सिकने दें और खूब क्रिस्पी होने तक सेकें और इस तरह से हमारी टिक्की सिक कर तैयार हो गई है और हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी टिक्की बहुत ही करारी बनकर तैयार हुई है। आप आलू में अरारोट जरूर से मैश कीजिएगा, उसे कॉर्नफ्लोर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारी टिक्की बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है और हमने इन्हें लगा दिया है जो भी हमने सौंठ दही और खट्टी मीठी चटनी डाल करके बनाया है और इसके ऊपर हमने गार्निश के लिए बीटरूट वगैरह भी लगाया है और बहुत ही टेस्टी हमारी टिक्की बनी है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से टिक्की को बनाइएगा और इसके ऊपर हमने पीली मिर्च नमक भी डाला है और बहुत ही टेस्टी टिक्की बनी है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप भी ज़रूर से करके देखें, फिलिंग के अंदर मटर और चने की दाल ज़रूर भरें। तो फ्रेंड्स अगली ट्रिक आती है हमारी, जो हम बाज़ार से पैकेट वाला आटा मंगाते हैं तो उसमें ये पिन्नी के खाली पैकेट निकलते हैं। तो इसका हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे पास पिलो कवर पड़े होते हैं बेकार वाले उसके अंदर हम इसे डाल लें और इस तरह से अपने किचन में काम लें। तो इसको बिछा करके आजकल जो हम बर्तन धोते हैं ना तो इसके ऊपर लगा दें तो इनकी सारी नमी सोख लेता है ये और हमारी जो स्लैब होती है वो गीली भी नहीं होती है। और इस तरीके से जब हमारे बर्तन सूख जाएं तो फिर हम अपने बर्तन को स्टैंड में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पन्नी होती है ना बिल्कुल ना फेंकें, ये बहुत काम आती हैं। अब अगली ट्रिक आती है हमारी कपड़े सुखाने को लेकर। आजकल लंबे भरे मौसम में हमारे कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, गैस को जलाकर उसके ऊपर चावल वाली चलनी होती है ना उसे उल्टी रखनी है और इस तरीके से हमें अपने कपड़ों को सुखाना है और गैस के फ्लेम को हमें लो करना है और इस तरीके से हमारे कपड़े आसानी से सूख पाएंगे। ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है और आप अपने ये छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं जिनमें कॉटन ज़्यादा होता है वो नहीं सूख पाते हैं तो आप इस तरीके से अपने कपड़ों को सुखाएं, ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है। फ्रेंड्स आप कढ़ाई में भी अपने कपड़े सुखा सकते हैं, आप इस तरह से कढ़ाई रख लें और उसमें भी कपड़े सुखाएं और बहुत ही हमें सावधानीपूर्वक कपड़ों को सुखाना है। आप अपने बर्तन को देखें, यदि गर्म ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कपड़े ध्यान से रखें और नायलॉन के कपड़े को तो बहुत ही ध्यान से सुखाना है। और फ्रेंड्स ये आप कुकर में भी अपना सकते हैं और कुकर में भी आप अपने कपड़े को सुखा सकते हैं लेकिन उसमें कॉटन के कपड़े ही सुखाए जा सकते हैं। और यदि आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएँ तो आपके काम आसान हो जाते हैं तो आपकी लाइफ भी आसान हो जाती है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।